ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପବିତ୍ର ମାଘ ମେଳା। ମେଳାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମ। କୋଭିଡ କଟକଣା ରୋକିପାରିନି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ। ସେପଟେ ହୋମଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶ। ଚାଲିଛି ହୋମଯଜ୍ଞ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥ। ମାଘ ସପ୍ତମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜପତପ କଲେ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ସାଧୁମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଢାଳିବେ ଓ ମହାମାରୀ ଦେଶରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। मना नहीं किया गया है। गवर्नमेंट से कोई दूर थोड़े रहता है, उनके साथ हैं सभी, साधु भी साथ है, पब्लिक भी साथ है। अनुशासन से रहें, पब्लिक से हमारी ये भी गुजारिश को गवर्नमेंट को चांस ना मिले ऐसे कहने का, भाई आपने ऐसे कर दिया वो भी ठीक रहेगा ना। आसबे क्षेत्र से कई बंद कर पारे ये क्षेत्र को, ये आध्यात्मिक क्षेत्र, ये भगवान सृष्टि षष्ठ आरंभ रु ये क्षेत्र आरंभ आपको कहीं बंद कर पारे जो बंद कर से असुविधार सम्मुखीन हम ध्रुव पहला तो सत्य हाँ भारी विषधर भाई जिन उपजी ये धरणी पुष्ट में तेनाली कहीं बंद कर पारे ये पारंपरिक लगी लगि हाँ ये आनंद ये शक्ति मैत्री प्रेम जग वर्षर थे आसे जाघ सप्तमी पुणी पूर्णिमा पर्यंत ये नौटी नवदिन नवदा भक्ति नवमुनि नव ऋषि सब नवरे आम पदार्पण करूँ समर्पण करूँ। खंडगिरी मेला रे यात्रा पिंडाल किंबा मेला पड़ब ना कारण कोरोना संक्रमण को देखि एथर भिड़ को बारण कर प्रशासन। केवल परंपरा रक्षा पाए साधु संतों को उपस्थिति रे पूजार्चना करा जाउछि। मैं बसंत भारती महाराज नाम है, नांगा सन्यासी हूँ। मैं गुजरात से आया हूँ, जूनागढ़। दो साल हो गया, पिछले साल आया था, फिर आया अभी। उसी के लिए मैं आता हूँ, पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ भगवान से। भगवान इसको मुक्ति दे। हम लोगों को ना कोरोना लगता है, कोरोना हमसे बहुत खुश महसूस रहता है। प्रभु से यही विनती करते हैं कि आप लोगों को भी नहीं लगे, बिल्कुल यहाँ से विदा हो जाए, सब स्वस्थ रहें। भगवान का थोड़ा नाम ले, अच्छे मार्ग से निकलो, बुरा मार्ग छोड़ दें। हम लोगों को सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड है, हम नांगा लोग हैं। लगातार 2 वर्ष हलानी खां खां खंडगिरी मेला। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।